सलमान खान को सरोगेट बेबी के सवाल पर आया गुस्सा। कैटरीना सलमान ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए लोगों को करवाया घंटों इंतजार। करण जौहर ने कैसे डाला वरुण धवन को बड़ी मुश्किल में। डॉटर सारा के बॉलीवुड डेब्यू पर आया सैफ का रिएक्शन। शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन को किया वॉर्न। सलमान खान से रिसेंटली जब पूछा गया क्या वो भी बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह सरोगेट बेबी के ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं, तो इस पर सलमान खान ने जिस अंदाज में किया रिएक्ट उससे आप देख के जरूर चौंक जाएंगे। बच्चों के साथ हमेशा कंफर्टेबल रहने वाले, बच्चों को देखकर इमोशनल हो जाने वाले, बच्चों की कंपनी को खूब एंजॉय करने वाले भाई जान सलमान खान को बच्चे से जुड़े सवाल पर आया खूब गुस्सा। ये लो अगला सवाल। बच्चे से जुड़ा एक सवाल सलमान को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने सवाल को गुस्से में टाल दिया। ये लो अगला सवाल। अब ये सवाल था कौन सा जिसे लेकर सलमान खान इतने ज्यादा टची हो गए? दरअसल मौका था फिल्म ट्यूबलाइट के प्रमोशनल इवेंट का, जहां सलमान खान अपनी फिल्म ट्यूबलाइट के चाइल्ड आर्टिस्ट मतिन रे को सभी से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। अब एक बच्चे को इंट्रोड्यूस करने के लिए इवेंट रखा गया था, ऐसे में बच्चों से जुड़े सवाल पूछे जाने लाजमी थे। और एक रिपोर्टर ने सलमान से पूछ लिया क्या वो बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह सरोगेट बेबी करना चाहेंगे। वेल, इस सवाल को सुनते ही सलमान ने कैसे रिएक्ट किया जरा आप ही देखिए। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में देखा है कि आपके जितने भी कई सारे जो दोस्त हैं सरोगेसी से बच्चों को प्राप्त किया है। ये लो अगला सवाल। ये लो अगला सवाल। सरोगेट बेबी से जुड़ा सवाल सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने सीधे सीधे इस सवाल को टाल दिया और ये सिग्नल भी दे दिया कि उन्हें ये सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में देखा है कि आपके जितने भी कई सारे जो दोस्त हैं सरोगेसी से बच्चों को प्राप्त किया है। ये लो अगला सवाल। ये लो अगला सवाल। साफ है भाईजान सलमान खान अपनी लाइफ से जुड़े कुछ इश्यूज को लेकर हैं टची, और जब उनसे इन टची इश्यूज को लेकर सवाल किए जाते हैं तो उनका ऐसा ही रिएक्शन देखने को मिलता है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। सलमान खान ने रिसेंटली अपनी फिल्म ट्यूबलाइट के चाइल्ड एक्टर मैटिन रे टंगू को सबसे करवाया इंट्रोड्यूस, और यहाँ सलमान और मैटिन ने अपनी केमिस्ट्री से जीत लिया सबका दिल। सलमान खान ने ग्रैंड अंदाज में अपनी फिल्म ट्यूबलाइट के चाइल्ड एक्टर मतिन रे तंगू को करवाया इंट्रोड्यूस। और यहाँ मतिन और सलमान के बीच जो कॉन्वर्सेशन हुआ वो बन गया अब तक के ट्यूबलाइट के प्रमोशन की सबसे बड़ी हाईलाइट। देखिए कैसे सलमान और मतिन ने सबको अपनी बातों से किया खूब एंटरटेन। वो अगर प्रेस मेरे बारे में बुरा लिखेगा तो तू क्या करेगा प्रेस को? कबीर अंकल, आपको क्या लगता है ये मूवी कितना हिट होगा? कबीर अंकल, हाँ ये अभी तक डाउट था लेकिन अब आज के बाद बहुत बड़ा हिट होगा। हिम्मत है तो अभी आप एक स्टूपिड जोक सुनाओ। ये सुनाओ एक स्टूपिड जोक। दूर से देखा बारिश गिर रहा था। नहीं, मेरा वाला नहीं सुना सकता है। मेरा वाला बिल्कुल नहीं सुना सकता है। डकार में ज्यादा मजा आता है पदिंग में। तो आपको कैसा लग रहा है आपका भाई मूवी पर एक्टिंग कर रहा है? बोलो। तुमको तो एक्टिंग में मजा ही नहीं आया, तुम बोलता है कि एक्टिंग सजा है। कबीर अंकल तुमको लेके आया, बोलता है कि एक्टिंग मजा आएगा तुमको, लेकिन तुम तो बोला कि एक्टिंग हमारा मजा नहीं, हमारा सजा है। हाँ, तुम क्या बनने का क्या था तुमको? हम अगर एक्टर बन गया तो बन गया ना, अब और क्या करेगा।
लेकिन एक्टर जब एक्टिंग करता था धूप के अंदर तो तुम हमको क्या बोलता था, बेबी सलमान को क्या बोलता था, हमको एक्टर नहीं बनने का, हमको तो शेफ बनने का है, शेफ बनने का है। हाँ। अब क्या बने, अब क्या बनेगा? एक्टर ही बन गया तो एक्टर ही बनना होगा ना। तो फिर वो जो तुम्हारा कपकेक्स का क्या होएगा? कपकेक को हम घर पर फ्री टाइम पर बनाएगा। तू बोलेगा भारत माता की जय? बोलेगा भारत माता की जय। कैसे बोला था भारत माता की जय? भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा सुनो, तुम तुम्हारा बेबिंग वो आर्मी में ज्वाइन होता था और तुमको भी आर्मी में ज्वाइन नहीं होने का था, वो क्या था बताओ हमको? ये फुटबॉलर बनेगा। नहीं, पहले वो आर्मी में जाना था ना, यूएस आर्मी के अंदर। हाँ, पर अभी इसको फुटबॉलर बनाए, ये गोलकीपर पर बेस्ट है, पर हम इससे बहुत छीन पाते कभी कभी। अच्छा, जब वही आर्मी में जा रहा था। हाँ, तो तुम नहीं क्यों बोला? और फिर जब तुमने डिसाइड किया, तुमने क्या डिसाइड किया तुम अपना बीबी? हाँ, के साथ आर्मी में जाएगा। अभी वो फुटबॉलर बनेगा। नहीं नहीं, अभी फुटबॉलर बनेगा, लेकिन पहले जो बनता था उसका बताओ हमको। वो आर्मी तो था। आर्मी था ना। हाँ। वैसे ये तो बात हुई सलमान और मतिन की, लेकिन यहाँ भी सलमान प्रीतम दा की खिंचाई करने से नहीं चुके और उन्होंने प्रीतम दा की एब्सेंस पर कुछ ये कहा। वो मकड़ी को नीचे गिराने के चक्कर में फोन गिरा दिया होगा। यही नहीं, सलमान ने कुछ और लोगों की यहाँ की खिंचाई। ये इतने प्यारे बच्चे के साथ में आप बच्चे बगैर बने बगैर नहीं रह पाते हैं। आपके साथ भी तो बच्चा बनकर रहता हूँ मैं। साथ ही सलमान ने इस फिल्म में SRK के कैमियो को लेकर भी की बात। When Kabir narrated the subject to me, at that point of time he said, you know, for this role I think we should get Shahrukh. So I called up Shahrukh and I said, वो एक छोटा सा इसे हो गया। So that was it. Well, तो कुछ इस तरह फिल्म ट्यूबलाइट का ये प्रमोशनल इवेंट बन गया सबसे ज्यादा स्पेशल। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। करण जौहर के घर कल रात फिर हुई पार्टी और इस पार्टी में करण ने पहली बार दो लोगों को किया इनवाइट। कौन है करण के ये स्पेशल गेस्ट, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। करण जौहर के घर कल रात फिर हुआ बड़ा जश्न। फिर करण के करीबियों ने देर रात तक की पार्टी। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन शामिल हुए इस पार्टी में। लेकिन करण की इस पार्टी में दो और ऐसे स्पेशल मेहमान थे जिन्हें करण ने स्पेशली इस पार्टी में इनवाइट किया था। साउथ फिल्म्स के सुपरस्टार प्रभास और राणा दगुबती शामिल हुए इस खास जश्न में, क्योंकि ये शाम रखी ही गई थी बाहुबली 2 के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। वैसे मौका तो सक्सेस सेलिब्रेशन का था, लेकिन सोर्सेस की माने तो करण जौहर ने प्रभास के साथ यहाँ एक फिल्म को भी डिस्कस किया जिसमें करण प्रभास को साइन करना चाहते हैं। तो सक्सेस के साथ नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट की भी करण ने की बातें। इस पार्टी में भी आलिया और सिद्धार्थ काफी अच्छे मूड में नजर आए और अब ये लगभग साफ हो गया है कि अगर आलिया सिड के बीच जरा सी प्रॉब्लम आई भी तो इसे इन दोनों ने क्लियर कर लिया। वहीं रणबीर यहाँ भी नजर आए अपने संजू बाबा अवतार में। वेल, करण जौहर का घर बॉलीवुड का सबसे बड़ा पार्टी डेस्टिनेशन बन गया, तभी तो महीने में एक से दो बार यहाँ पार्टी हो ही जाती है। ज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। करण जौहर ने रिसेंटली अपने स्टूडेंट वरुण धवन को डाल दिया एक बड़ी मुश्किल में। करण ने वरुण से पूछ लिया कैटरीना और आलिया में से कौन है ज्यादा अच्छी परफॉर्मर। देखिए क्या है वरुण का जवाब। You have like so many amazing beauties performing this time in IFA. You have Katrina and you have Alia. Who's your preferred movie star between them? Between both of them. Katrina and Alia. ये क्या पूछ लिया करण जौहर ने, जिसका जवाब देना वरुण धवन के लिए हो गया मुश्किल भरा खेल। कैटरीना और आलिया के बीच फंसे वरुण धवन, करण जौहर ने फंसाया वरुण धवन को धर्म संकट में।
स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वरुण धवन को लॉन्च करने वाले करण जौहर ने अपने स्टूडेंट को हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ऐसा फंसाया कि पहले तो वो हो गए क्लीन बोल्ड। दरअसल करण जौहर ने वरुण धवन से पूछ लिया कि उनके अकॉर्डिंग कैटरीना और आलिया में से बेटर परफॉर्मर कौन है। यू हैव लाइक सो मेनी अमेजिंग ब्यूटीज परफॉर्मिंग दिस टाइम इन आईफा, यू हैव कैटरीना एंड यू हैव आलिया, हु इज योर प्रेफर्ड मूवी स्टार बिटवीन देम? बोथ ऑफ देम, कैटरीना एंड आलिया। और इस सवाल का जवाब देना पहले तो वरुण के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ, लेकिन वरुण ने कुछ वक्त बाद संभलते हुए बड़े ही इंटेलिजेंटली दिया ये जवाब। Both of them. Katrina and Alia. I mean they both are like different looking. Mean? Most think, people are different looking. We're different from each other as well. I like both. I mean I like both. You like both. That's what you should say. Yeah, I like both. Yeah. You like both. I like both. They both are very nice human beings. Well, Karan ke sawal par dharam sankat mein phase Varun ne Katrina aur Alia dono ko hi bata diya best performer aur khud ko is situation se nikalne ki koshish. इस तरह कैट और आलिया दोनों को ही वरुण ने अपने आंसर से खुश कर दिया। फॉर संदेश अगाते, जूम मुंबई। सैफ अली खान ने रिसेंटली दिया था स्टेटमेंट कि वो अपनी डॉटर सारा अली खान के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर स्कैर्ड है और वो नहीं चाहते थे कि सारा करे बॉलीवुड में डेब्यू। लेकिन कल एक इवेंट पर सैफ ने अपने स्टेटमेंट से मार लिया यू टर्न। It's a beautiful job. बेटी सारा के डेब्यू पर दिए अपने बयान से पलटे सैफ अली खान। सारा के लिए एक्टिंग करियर को बताया था बुरा। आप बोले कि एक्टिंग करियर है बहुत उम्दा। पहले सारा के बॉलीवुड में डेब्यू के लिए जताई थी सैफ ने चिंता। सैफ ने कहा वो है सारा के लिए बेहद खुश। I'm very happy that she's doing something that she's passionate about. आजकल सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान है न्यूज में अपने बॉलीवुड डेब्यू की वजह से। सारा सुशांत सिंह राजपूत के ऑपोजिट बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं और हाल ही में सैफ ने सारा के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर अपना कंसर्न जताते हुए एक इंटरव्यू में कहा, इट्स नॉट द लाइफ एनी पेरेंट वुड वॉन्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। सैफ के इस बयान के बाद हर तरफ उनके इस बयान की चर्चा हो रही थी और जब सैफ को कल एक अवार्ड फंक्शन के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर स्पॉट किया गया तो हर कोई उनसे सारा के डेब्यू पर सवाल पूछना चाहता था और हुआ भी वही। सैफ से आखिरकार सारा के डेब्यू पर दिए उनके बयान पर जब पूछा गया तो देखिए क्या कहा सैफ ने। सारा इज अ वेरी ब्राइट गर्ल, शी इज वेल एजुकेटेड एंड शी इज गॉट अ नाइस माइंड टू हर, शी इज हंबल एंड शी इज गॉट लॉट्स ऑफ वेल विशेस अराउंड हर फ्रॉम हर मदर टू मी टू करण टू एवरीबॉडी, सो शी शुड आस्क फॉर यू नो एडवाइस फ्रॉम एनी ऑफ अस इफ शी नीड्स इट एंड गुड एंड यू नो वेरी गुड लक टू, आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज डूइंग समथिंग दैट शी इज पैशनेट अबाउट, इट्स अ ब्यूटीफुल जॉब एंड शी इज वेरी लकी टू हैव। देखा आपने, हाल ही में एक्टिंग करियर को बुरा बताकर सारा के डेब्यू पर अपने कंसर्न को जाहिर करने वाले सैफ ने कैसे लिया टोटल यू टर्न। अब छोटे नवाब ने पहले ऐसा क्यों कहा था जिसके बाद उन्हें अपने ही बयान से पलटना पड़ा, ये तो वही जाने। लेकिन अपेरेंटली उनके यू टर्न के पीछे उनकी एक्स वाइफ अमृता सिंह को बताया जा रहा है। अपेरेंटली अमृता सिंह सारा के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और सोर्सेज के अकॉर्डिंग सैफ नहीं चाहते कि पब्लिकली सारा के करियर को लेकर अमृता और वो अलग अलग पेज पर दिखाई दे। Well, अब सैफ ने फाइनली जब पूरी दुनिया के सामने सारा को दे दिया है उनके फिल्मी डेब्यू को लेकर गो अहेड, तो ऐसे में सारा अली खान का बॉलीवुड का रास्ता पहले से भी ज्यादा स्मूथ हो गया है। फॉर संदेश अगाते, जूम मुंबई। शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान को दिया एक वार्निंग। SRK ने आर्यन से कहा कि उनकी एक खास गलती पर वो दे सकते हैं सीवियर पनिशमेंट। वेल, आखिर किस गलती की SRK कर रहे हैं बात, लेट्स फाइंड आउट। शाहरुख खान ने दी अपने बेटे आर्यन को एक खास वार्निंग। SRK ने कहा, आर्यन मत करना कभी किसी लड़की को किस, अगर करोगे किसी लड़की को किस तो काट दिए जाएंगे तुम्हारे लिप्स।
शाहरुख अपनी फिल्म और किड से हैं काफी क्लोज। शाहरुख टाइम टू टाइम देते रहते हैं अपने बेटे आर्यन को एडवाइस, लेकिन फिलहाल एसआरके ने अपने बेटे आर्यन को दी है एक खास वार्निंग, जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। रिसेंटली एक इंटरव्यू में एसआरके से जब किया गया ये सवाल कि आर्यन के किसी लड़की को किस करने पर क्या होगा आपका रिएक्शन, तो शाहरुख ने इस सवाल का काफी स्ट्रेट वर्ड्स में दिया जवाब। शाहरुख के इस जवाब में गर्ल्स के लिए उनके एक्स्ट्रा कंसर्न भी साफ आ रहा था नजर। शाहरुख ने कहा, I'd rip off Aryan's lips. I can't rip off a girl's lips. That's not a charming, gentlemanly thing to do. So I will rip off Aryan's lips on behalf of the girl's father. You can't touch or harm a girl. Well, we all know कि शाहरुख का सेंस ऑफ ह्यूमर है काफी स्ट्रॉन्ग, और शाहरुख ने इससे पहले भी कई बार दिए हैं इस तरह के ह्यूमरस रिप्लाई। लेकिन इस बार मामला है थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि शायद अब आर्यन की बढ़ती उम्र के साथ शाहरुख है आर्यन के करियर को लेकर भी कंसर्न। तभी तो वो नहीं चाहते कि फ्यूचर में किसी भी बैड न्यूज की वजह से आए मीडिया में आर्यन का नाम, और इसके लिए वो अभी से कर रहे हैं अपने बेटे आर्यन को हर तरह से ट्रेन। अगर बात की जाए शाहरुख के इस जवाब की, तो उनके इस ह्यूमरस येट कंसर्न जवाब को सुनकर तो यही लगता है कि एसआरके हैं काफी स्ट्रिक्ट डैड। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। टाइगर श्रॉफ ने फाइनली दिशा के साथ फिल्म बागी 2 में काम करने की न्यूज को किया एक्सेप्ट, और दिशा के साथ अपने खास इक्वेशन पर टाइगर ने दिया एक इंटरेस्टिंग बयान। टेक अ लुक। रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ बॉन्डिंग पर खुलकर बोले टाइगर श्रॉफ, वी गेट अलोंग ग्रेट, वी हैव अ ग्रेट कैमराडरी। पहली बार दिशा के साथ अपनी केमिस्ट्री पर टाइगर ने दिया ओपनली बयान। I've known her for a while now, ever since, you know, before बागी also. दिशा के साथ बागी 2 में काम करने को लेकर टाइगर दिखे काफी एक्साइटेड। I'm very excited. टाइगर श्रॉफ और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी के अफेयर के किस्से आजकल हर किसी की जुबान पर हैं। गाहे बगाहे दोनों की अलेजेड लव स्टोरी में आए नए डेवलपमेंट्स की स्टोरी सामने आती ही रहती है। हाल ही में ये खबर तक आई थी कि टाइगर की वजह से ही दिशा को बागी 2 में किया गया है फाइनल। हालांकि ना तो टाइगर और ना ही दिशा ने अपने रिलेशनशिप पर कभी भी खुलकर बात की है, लेकिन अब टाइगर ने दिशा के साथ अपनी कैमराडरी और बॉन्डिंग पर ओपनली की बात। टाइगर को उनकी अपकमिंग फिल्म मुन्ना माइकल के सॉन्ग लॉन्च पर किया गया स्पॉट, और जब दिशा के साथ बागी 2 में काम करने को लेकर टाइगर से पूछा गया सवाल, तो देखिए क्या कहा उन्होंने। I'm very excited. I mean, I've known her for a while now, ever since, you know, before बागी also. And we get along great. We have a great camaraderie. And, you know, I think it's just going to be fun, very natural being on screen with her. टाइगर ने रूमर गर्लफ्रेंड दिशा की तारीफ करते हुए ये साफ कहा कि वो उनके साथ काम करने को लेकर हैं काफी एक्साइटेड। वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और अपेरेंटली टाइगर के इस बयान में दिशा के लिए उनके दिल में जो जज्बात हैं वो उभर कर सामने निकल ही आए। वो संदेश अगाते, जूम मुंबई। सोशल मीडिया पर फिर नजर आया सोनम कपूर और आनंद आहूजा का प्यार। श्रद्धा कपूर किसके साथ गई सीक्रेट वेकेशन पर। ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। एंड दिस इज इट फॉर नाउ। वी विल बी बैक टुमारो विद मोर बॉलीवुड जूस एंड स्कूप्स। अंटिल देन यू कीप वॉचिंग ज़ूम, टर्न ऑन।